अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज जो है वो 12 रोजे की सहरी है, तो हम लोग फिर उठे हैं, लेकिन 10 मिनट बच गए हैं। बिल्कुल डेली ऐसा हो रहा है यार कि हम लोग ना टाइम पर उठने के बजाय लेट उठ रहे हैं। तो सहरी बिल्कुल तैयार बड़ी हुई है यहाँ पे, बस सबका वेट हो रहा है कि जल्दी से कोई आए ना आए। मैं तो स्टार्ट करने लगा क्योंकि 10 मिनट बाकी हैं और फिर भगदड़ मच जाती है लास्ट में। तो बिना टाइम ज़ाया किए सैरी करते हैं। ये हैं काले चने साथ खजूर। मैं तो अपनी रूखी रोटी बनवाई आज, ये घी वाली कुछ बनी हुई है, पानी वानी पड़ा हुआ सारा कुछ। हाँ जी, तो सैरी वगैरह हमने कर ली है, करके सारे फ्री हो चुके हैं, वजू कर लिए, नमाज के लिए निकलने लगे हैं। तो कपड़े पहनिए बिना प्रेस के, ऐसे ही नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आगे उतार देना। अभी तो मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, गली में कोई भी नहीं है, लोग आ जा रहे हैं अभी जो है नमाज के लिए। तो मैं इंशाल्लाह आपको सुबह ही मिलूँगा यार। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस टाइम ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जैसे कि आपको कल यहाँ पर मिला था, तो आज भी मैं यहीं पे हूँ खड़ा हुआ, बिकॉज काम अपना ख़त्म करके ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो निकला नहीं जाता बाहर में। तो इस टाइम जो है ना वो मैं दफ्तर के बिल्कुल सामने खड़ा आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। जब से चैनल मोनेटाइजेशन नॉट प्रूफ है ना, मेरा तो दिल ऐसा बैठा है ना, दिल ही नहीं करता, लेकिन ना मेहनत करने लगा हुआ हूँ भाई। कभी ना कभी तो मेरा चैनल रंग लाएगा ना, मेरा चैनल नहीं, मेरी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह। अभी तो वैसे भी रोज़े चल रहे हैं, सारी अफ्तारी सारी अफ्तारी सारी अफ्तारी। हर जो भी मैंने ब्लॉगर देखा है ना, जो मुस्लिम ब्लॉगर हैं, उनका यही अभी सारी कर रहे हैं। अब हम सोने लगे नमाज अदा करके, तो आपको उठ के मिलेंगे। जब उठो तो तैयारी चल रही होती है घर में कि आज ये अफ्तारी का सामान बनना स्टार्ट हो गया, फिर अफ्तारी के बाद कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, मैं नहीं जा पाता, क्या करूँ। तो इसीलिए जो है ना, क्योंकि मेरा टाइम शॉर्ट सा होता है यार, इसलिए मैं जा नहीं पाता। तो अब जो है वो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो रूटीन चेंज करेंगे अपनी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। बस यार दुआ कर दो, रमज़ान में तो दुआ वैसे भी बड़ी कबूल होती है, तो वैसे भी मेरी अम्मी को भी आप लोगों ने दुआ में याद लाजमी रखना है। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह चलते हैं अब दूसरे रूम ऑफिस में, वहाँ से जाके अपना काम मुकम्मल करते हैं, मुकम्मल करने के बाद आते हैं। हाँ जी, तो हमने आज काम मुकम्मल कर लिया है अभी का, तो हम लोग अब जो है वो जाएंगे मस्जिद में, रास्ते में नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर अफ्तारी में मिलेंगे आप लोगों को। हाँ जी, तो वहाँ पे मसर की नमाज़ हमने अदा की, अदा करने के बाद अभी मैं घर पे पहुँचने वाला हूँ। आज का मौसम बहुत ही मज़े का था, इतना ख़ास गर्म नहीं था, वरना इस टाइम भी जो है ना वो हीट हो रही होती है, काफ़ी गर्म हवा चल रही होती है, लेकिन आज मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, खूबसूरत है। घर चलते हैं, जाके देखते हैं आज चना चाट का बोला था, देखो अब बनता है कि नहीं। उम्मीद तो है कि बना होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि आप लोग ना वो चने और आलू वगैरह उबाल के रखो, तो मैं आता हूँ, मैं बनाऊँगा। अब देखते हैं, क्या पता, मैंने कहा अगर मैं लेट हो गया तो आप लोग बना लेना। अभी 6 बजे हैं, 6:30 बजे 6:35 पे जो है वो रोज़ा खुल जाने, अभी 5 मिनट तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। अगर तो ना बना हुआ तो फिर जल्दी से बना लेंगे, वरना मुझे तो उम्मीद है कि बना लिया होगा। तो घर चलते हैं, घर जाके देखते हैं। चना चाट जो है वो तैयार हो रहा है घर में, मुझे जो है वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। प्याज भी बारीक छोटे छोटे कटे में, वो अलग से होंगे। अब्दुलमान, आपको आपने रोज़ा रखा है? नहीं। क्यों? रोज़ा रखा, रोज़ा हरीम ने तो रोज़ा रखा। हरीम ने भी रोज़ा रखा। हरीम रोज़ा रखा है आपने? कितने कितने, 1 के 2? 2 रोज़े रखे। बच्चों के भी रोज़े हैं। तो अभी अफ्तारी में 10-15 मिनट बाकी हैं, तो घर वालों ने बताया पानी कोई नहीं है, तो यहाँ से पास वाले फ़िल्टर से पानी जो है वो लेकर रहते, पर वरना वहाँ से जाके लेके आते, जहाँ पे फ्री मिलता है। अभी जो है जहाँ से पैसे उनका मिलता है ना, वो करीब है वहीं से लेकर जल्दी से आते हैं, साथ अली को लेके आते हैं और साथ दही लेके आते हैं, तो बच्चा पार्टी चेक करें। तो इस टाइम जो है वो मैं आखिस्ता पे खड़ा हूँ, यहाँ पे पानी मैंने ले लिया हुआ है, अली का इंतज़ार कर रहा हूँ, वहाँ से दही लेंगे हम, और दही लेने के बाद अली को मैं लूँगा, अली को लेकर फिर मैं घर चला जाऊँगा। अफ्तारी में जो है ना वो गिनती के 5 से 6 मिनट बाकी है, मेरे ख्याल है 4-5 मिनट बाकी है, तो जल्दी कोशिश करते हैं अली पहुँचे और मैं भी दही जो है और पानी लेके घर पहुँचूँगा। हाँ जी, तो अफ्तारी का टाइम हो चुका, हमने अफ्तारी कर ली हुई है, दस्तरखान ये देखिए काफ़ी बड़ा बना हुआ है, भरा हुआ है। अब चना चाट जो है वो मैं आपको दिखाई नहीं, क्योंकि अफ्तारी का जो है वो टाइम हो चुका था, हम लोगों ने जल्दी से अफ्तारी करना शुरू किया। ये खाने लगा हुआ है मिट्ठू अली, हम मैं पूरे टाइम पे ही घर पहुँचा भाई, जैसे ही हम आके बैठे हैं, दुआ भी नहीं हुई कि टाइम हो गया अफ्तारी का। अब चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ अदा करके
फिर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी है, फिर एंड करेंगे बाद में। हाँ जी, तो अभी टाइम हो चुका, मैं नमाज पढ़ के आ चुका हूँ, मगरिब की हमने रोज़ा इफ्तार अच्छे से कर लिया है। अच्छे से इफ्तार करने के बाद मैं घर पे आया हूँ, मैंने वीडियो की आगे एडिटिंग की, एडिटिंग करने के बाद अभी जो मैं वो खाना वाना खाऊंगा, भूख लग रही है हल्की हल्की, तो बाकी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये लास्ट वाला मोमेंट है जो मैंने अभी कैप्चर करना है। तो आप मेरी अम्मी को लाजमी दुआ में याद रखिएगा इस रमज़ान में, उनको कुरान मजीद पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, कोई भी जब भी आप दुआ करने लगो तो आप मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।